जैसे भी ऑफिस में शनिवार को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स पूछताछ के लिए पहुंचे गए। सबसे पहले दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची, उनके बाद उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश पहुंची, फिर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने एनसीबी दफ्तर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। तीनों एक्टर्स एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ आए थे। श्रद्धा कपूर लगभग 12 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। श्रद्धा कपूर पीले कुर्ते और जींस पहने नजर आई, चेहरे पर मास्क और हेडबैंड कैरी किए हुए महिला पुलिसकर्मी के साथ एनसीबी ऑफिस के अंदर गई। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की 16-20 केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस है। इन दोनों ने समीर बांड खेड़ी एक महिला कॉन्स्टेबल सहित एक और अफसर पूछताछ कर रहे हैं। दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत के आइडा पार्टी सीबीडी ऑयल और ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। सारा का नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने बयानों में दिया था। सारा ने सबसे पहले NDPC एक्ट के बारे में समझाया जाएगा, इसके बाद एजेंसी उनकी सभी डिटेल्स को दर्ज करेगी। इसके सबसे 30 मिनट तक समय लगेगा। मालूम हो कि सारा ने एनसीबी से 12:30 बजे ऑफिस आने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसके एनसीबी ने मान लिया था कि दरअसल सारा और श्रद्धा दोनों अपने लिंग टीम से सलाह ले रही थी और जिसके लिए दोनों ने एनसीबी से समय मांगा था। सारा अपनी माँ अमिता सिंह के साथ लिंग टीम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राय ले रही थी। वहीं सारा और श्रद्धा से पहले सुबह 10 बजे ही दीपिका एनसीबी के ऑफिस पहुंच गई। पूछताछ के दौरान सवालों पर दीपिका ने चुप्पी साध ली है। दीपिका ने स्वीकार कर लिया है कि जिस ड्रग चैट पर खुलासा हुआ है वे दीपिका की ही है। चैट में अपने सिगरेट और डिब्बे मंगाया जाता था। उन्होंने बताया कि डिब्बे यानी भरी हुई सिगरेट और लोग पीते हैं। जब इस एनसीबी ने उनके पूछा कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।